तो ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज और इस करंट की वैल्यू दिया है। तो व्हाट इज़ द टोटल एरर इन आर, तो अगर मैं देखता हूँ टोटल एरर इन आर अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी इक्वल टू आई के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एरर इन आर मतलब परसेंटेज एरर, तो डेल्टा आर अपन आर और मल्टीप्लाई करूँ 100 से डेल्टा वी अपन बी और मल्टीप्लाई करूँ 100 से प्लस डेल्टा अपन आई और मल्टीप्लाई करूँ 100 से। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी अपन बी इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो दिया हुआ है डेल्टा वी। डेल्टा वी जब वोल्टेज ऐसे लिखा हुआ है 100 ± 5, तो जो 100 है वो एक्चुअल वैल्यू है और प्लस 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 माइनस 5 अब्सोल्यूट एरर है। तो 5 और ये एक्चुअल 100 और मल्टीप्लाई करूँ 100 से प्लस करंट, करंट की एक्चुअल वैल्यू 10 एम्पियर है और इसमें सॉरी करंट की एक्चुअल अब्सोल्यूट एरर 0.2 है, यहाँ पर 0.2 और एक्चुअल वैल्यू 10 है और 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 इसको ख़त्म कर गया, ये 10 इसको ख़त्म कर गया, मतलब 7% एरर होगा परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस में, मतलब बी ऑप्शन सही है।